barbarian. प्रिंसेस है एक चिंप। माता पिता राजा रानी राम देश का उद्रगोत शैतानों से लड़ने निकले और कैंडी है अब बॉस। और कैंडी बिल्कुल नकारा है पर हम भी क्या करें, नहीं और कोई चारा है। इतिहास गवाह है कि गुस्से से भरी भीड़ से ज्यादा खतरनाक और कोई दुश्मन नहीं। वो दरवाजा तोड़ने वाले हैं, अब हम क्या करें? मैंने डेम से कहा था कि ऐसा होगा। आपने सही कहा, भीड़ को अब कोई नहीं रोक सकता। है ना, ये सब लोग मेरी नई दुकान की मुहूर्त के लिए आए हैं। किसे पता था कि इतने सारे लोगों को गुलूबंद पायल और सजावटी सामान चाहिए। आइए डेव की सजावटी सामान की दुकान अब खुल। डेव, तुम बारबेरियन हो, तुम्हें ये बेकार का कबाड़ नहीं बेचना चाहिए। ये कबाड़ नहीं है, ये काफी बढ़िया सामान है। मैं अच्छी चीजें बेचता हूँ, जैसे सर उछालो डॉग्स, मूर्ति वाले मग, चिकन की शेप वाले बर्तन। तुम्हें इम्पोर्टेंट चीजों के बजाय सर उछाले डॉग्स क्यों पसंद है? जैसे कि जोरदार चीजें, जोरदार जमदार चीजें। अच्छा, तुम्हें जो पसंद है वो इम्पोर्टेंट है और मुझे जो पसंद है वो बेकार है। मेरी बात ध्यान से सुनो फैंग, सजावटी चीजों से मेरा प्यार ही एक दिन हम सबको बचाएगा। अगर मैंने झूठ कहा है तो भीड़ मुझे कुचल दे। खाली दुकान का मुहूर्त करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोलो? खाली, लेकिन लोगो इसे बार बार कुचल दो। तुम जहाँ भी जाते हो बस दोस्ती कर लेते हो, है ना डेविड? ओलाला, मैं तो लुट गया। जिसने भी ये किया है, जब मैं उसे पकड़ूंगा तो उसे इतना मारूंगा कि बस मारूंगा। डेव, तुम तो बहुत ज्यादा बारबेरियन निकले, बहुत ज्यादा। आहा, ये क्या है? मेरे ख्याल से तो इसे फर्श कहते हैं। नहीं, ये छेद है। शाबाश डेव, तुमने मार्केट की जगह तोड़ दी। ये किसने किया, टर्माइट्स ने? नहीं, उनसे भी ज्यादा खतरनाक वर्माइट्स ने। सबको कुचल दूंगी। वर्माइट्स का खात्मा मुश्किल है, लकड़ी के साथ साथ वो पत्थर, कांच, धातु सब खाती हैं। तो क्या हुआ, चलो खात्मा करें। आदमी का मांस भी। जी और जीने दो, मैं हमेशा यही कहता हूँ। अब देर हो चुकी है, वर्माइट्स खाती रहेंगी जब तक कि पूरा उड्रगोत एक खाली मैदान जैसा नहीं बन जाता। ओलाला, मुझे जाने दो। तुम्हारे उछालू डॉग्स हमें बचाएंगे? नहीं, इन कीड़ों को रोकने का बस एक ही तरीका है, इन्हें अपने पुराने बारबेरियन स्टाइल से कुचला जाए। तुमने ठीक कहा फैंग, चलो चलते हैं और उन्हें देखो चिड़िया। और तभी हमारे हीरोज देखते हैं कि उड्रगोत को वर्माइट्स ने खा लिया है। उन्होंने पहाड़ खा लिए, उन्होंने चीज खा लिया और बेल्ट्स भी खा लिया, मधुमक्खियों को भी खा लिया और उन्होंने सब पेड़ भी खा लिए। ये सब सुनकर मुझे डर लग रहा है डेविड। थोड़ा थोड़ा मुझे भी लूला। लेकिन सबसे ज्यादा बुरा हुआ कि डेव की मनपसंद फ्रोजन योगर्ट प्लेस भी गई। तुम दुकान को खा जाओ, तुम मकान को खा जाओ, जो चाहो वो तुम खा जाओ, तुम्हारे मन में जो आए वो तुम कर जाओ, लेकिन फ्रोजन योगर्ट को बिल्कुल मत छूना, बिल्कुल नहीं। और आखिर में डेव को हिम्मत दिखानी ही पड़ी। विनाश को रोकने के लिए हमारे हीरोज ने किया तबाही का पीछा और जा पहुंचे वर्माइट्स के घोंसले पर। छड़ी चुभाते हैं। जिस चीज से मारो उसे ही खा जाते हैं, तो लड़ेंगे कैसे? सजावटी उछालू सर की ताकत शायद यहाँ। मैं अपना जादू चलाऊं? नहीं 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 नहीं, याद है पिछली बार जब जादू से कीड़ों को मारने की कोशिश की थी? भागो भागो, चिंगा टूंगा मुंगा मुंगा। ओ, बचाओ मुझे, और इस जार को खोलने में मदद करो।
तो हम फिर बिंगा देव द बारबेरियन और बड़बड़िया भी तुम्हारे साथ है। मैं बड़बड़िया नहीं हूँ। अच्छा, शायद आप हमारी सुलह करवा सकते हैं। देखिए, मेरी बहन समझती ही नहीं कि मुझे सजावटी चीजों में कितनी दिलचस्पी है। बिल्कुल भी नहीं बार्बी, एक सेकंड। तो अब मेरे प्यारे बार्बेरियन, तैयार हो जाओ मेरी बर्माइट फौज की तबाही देखने के लिए। वर्माइट की फौज के साथ तुम सिली पिंगी क्या कर रहे हो? मुझे खुशी हुई कि ये सवाल पूछा। मैंने वर्माइट से सौदा किया है, जो इन्हें चाहिए था मैंने इन्हें वो दिया, और बदले में ये मुझे वो देंगी जो मैं चाहता हूँ। हीरे, खूबसूरत घोड़ा, चमकदार फल। फल मुझे पसंद है, लेकिन नहीं, ये उड्रोगोथ को समतल मैदान बना देंगी। फिर उस मैदान पर मैं बनाऊंगा डार्क लॉर्ड ग्रो, पूरे खलनायकों का शहर। बहुत ही बढ़िया बनेगा। वहाँ होंगे टेनिस कोर्ट, एक फिटनेस जिम जिसमें सबसे ज्यादा आधुनिक उपकरण होंगे, और एक कॉफी बार जहाँ खलनायक आएंगे, आपस में बातचीत करेंगे। स्वर्ग ही होगा वो। इस जगह को खूबसूरत बनाने के लिए आपको कुछ सजावटी सामान भी चाहिए होगा। कबाड़ की बातें मत करो, कीड़ों की तरफ ध्यान दो। ऑल राइट, मैं ऐसा सौदा करूंगा कि वो मना ही नहीं कर पाएंगे। सर उछालू डॉग की कीमत बहुत ही कम होगी, और तो लड़ाई होगी। और लड़ाई शुरू हो गई। हमला! हमारे हीरोज ने हर तरह से कोशिश की। ऑस्विच ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई। साबरा नहीं तो साबरा। देखना आसान है पर भुगतना मुश्किल है। फैंग ने अपना हथियार चलाया। वाव, लगता है जोर से भूख लगी है। कैंडी ने मार्शल आर्ट्स का सहारा लिया। राजकुमारी को तंग मत करना। मैं ठीक हूँ। फैफी ने दिखाया कुछ नहीं, और डेव ने, अरे डेव कहाँ है? ओह, डेव तो है ही गायब। मवी रोट लॉक बेला से लो मारा लाइक अ लोमा के लख मिस्टर आमुनी कनाई। सरो चालू डॉग, जाओ जो मुझे नहीं मारता उसे खाओ। डॉगी, सजावटी सामान के जादूगर, अब तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन वर्माइट्स की रानी मेरी तरफ है। हेलो, ये है बड़ी डरावनी रानी। है, ये तो छुटकी पुटकी चींटी जैसी है। उप, ये रहा कांटा, अब तैयार हो जाओ। नी 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 नी। मैं तुम्हें छुटकी पुटकी कैसे कह सकता हूँ? मैंने तो कहा था कि चमकदार और खूबसूरत। मुझे तुम्हें खत्म करना है स्वीटी, बुरा मत मानना। ओ, नहीं माना। हे, ये सुंदर सा ब्रेसलेट कहाँ से लिया तुमने? ओ, मैंने खुद बनाया है, तुम्हें पसंद आया? बहुत ही, मैं इसे लाखों अपनी सजावटी सामान की दुकान पर बेच सकता हूँ। क्या तुम्हें पता है? पता है, मैंने खा लिया। वह माइट्स ये चीजें अपने दांतों से बनाते हैं, हम दरअसल कलाकार हैं। देखा, ये देखिए, ये सर उछालू डॉग है, क्यूट है ना? हेलो हेलो, रफ रफ। मुझे अच्छा लगा। तुम्हें तो इसे खत्म करना था, हमने सौदा किया था, वही करोगी जो मैं कहूँगा। याद है, मैं बॉस हूँ, वही पिगी, मैं मेरे पास है, मैं। एक मिनट स्वीटी। तो बताओ क्या ख्याल है, तुम हमारा सामान बेचो और हम तुम्हारा खात्मा नहीं करेंगे। सौदा, तो
क्यों फैंग? लगता है उद्रगौत बच गया है सजावटी सामान के लिए मेरे दीवानेपन की वजह से। तुम मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, पर बढ़िया काम। आओ, मेरा कमजोर ऐसा है। इस बीच धरती की सतह से बहुत नीचे। सुना तुमने, तुम क्वीन ऑफ द मॉल पीपल के कैदी हो। ठीक है, जो भी है। हे जगह अच्छी है, यहाँ कभी खलनायकों का शहर बनाने के बारे में सोचा है? मुझे तुम्हारे आइडियाज पसंद है पिगी। तुम्हारी चीजें हम दोनों को अमीर बना देंगे क्वीनी। आखिरकार अब मैं अपने दांतों को चमकवा लूंगी और मैं उद्रगौत बनने का सपना साकार करने की कोशिश करूंगी। अब मुझे पता चला कि जादू में कहां गड़बड़ थी। आबरा का डूब डबरा डबरा। ओलाला। कहानी शुरू होती है बोलने वाली तलवार लूला को मिली एक चिट्ठी से। मेरी बहन मौली आ रही है। मेरे ख्याल से हमें कहानी की शुरुआत थोड़ा और पहले से करनी पड़ेगी। हमारी कहानी शुरू होती है 20,000 साल पहले एक रहस्यमय जगह से, जो थी बहुत ही अनोखी। यहाँ दुनिया के सब जीवित हथियार और उपकरणों को गढ़ा गया था। ताकत की शील्ड, किस्मत का भाला, सच्चाई की गदा, पूछताछ की चम्मच। क्या आप मुझे टाइम बता सकते हैं प्लीज? और जी हाँ, लूला और उसकी बड़ी बहन ने एक बोलने वाली हथौड़ी मौली। मैं बड़ी होकर तुम जैसा बनना चाहती हूँ। कभी नहीं बन सकती। हाँ, मौली हमेशा लूला को नीचा दिखाती थी। तुम अपनी बहन की तरह क्यों नहीं बनती? मैं परिवार की शान हूँ, ना समझ, तुम हमेशा नंबर दो ही रहोगी। नंबर दो, नंबर दो, नंबर दो, नंबर दो। और अब 20,000 साल बाद लूला परिवार के सदस्यों को इकट्ठा करती है। मेरी बहन मौली यहाँ आ रही है। वो मेरे पलंग पर नहीं सोएगी। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी चादर साफ की है। मौली जो है ना, शुरू से ही बहुत बहुत घमंडी थी, और जब उसने तुम लोगों के बारे में पूछा तो रॉब जमाने के लिए मैंने झूठ कहा। मैंने उसे कहा कि डेव एक मशहूर बारबेरियन हीरो है। बुद्धू डरपोक नहीं बताया। मैंने उसे कहा कैंडी अमीर देश की खूबसूरत राजकुमारी है, धरती पर इस बकवास जगह की कमजोर बेकार रानी नहीं कहा। और मुझे एक बढ़िया लड़की कहा होगा जो कीड़ों को कभी ही नहीं मारती है। नहीं, मैंने कहा तो तुम एल्फ हो। देखो, मैं तुम्हारे लिए ड्रेस भी लाई हूँ। घंटियाँ कहाँ है? जिंगल बेल्स के बिना एल्फ तो बन ही नहीं सकते। तुम जिंगल जिंगल कहती रहोगी तो काफी होगा। तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारे साथ नाटक करेंगे? तुमने ये कैसे सोच लिया कि हम तुम्हारा साथ देंगे? तुम भूल गए मेरे पास ताकत है। मैं अपने जादू से सबको बचा सकता हूँ। ना समझ, मैं मौत के मुँह में ले जाने वाली ताकत की बात कर रही हूँ। लगता है हम फंस गए हैं। और हीरोज लूला की बड़ी बहन मौली पर रॉब जमाने के लिए राजी हो जाते हैं। तो तुम्हें कैसा लगा? महल अच्छा है, हा? मौसम अच्छा है, एल्फ अच्छा है। महल बेकार है, मौसम बहुत गर्म है, और वो एल्फ ठीक से जिंगल ही नहीं करता। जिंगल जिंगल जिंगल। अब ये क्या है? ओह ड्रैगन, हमें कौन बचाएगा? आहा, मैं। डायलॉग। डरो मत, मैं तुम्हें हर बुरे मॉन्स्टर से बचाऊंगा। डरो मत, मैं तुम्हें हर बुरे मॉन्स्टर से बचाऊंगा। कमाल है, इतनी जोर का पत्थर मारा कि उसकी हवा से ही मॉन्स्टर भाग गया। हाँ, सच में यही तो हुआ है ना डेव? डायलॉग। वो वहाँ है शहजादे कुंवर का देश, जहाँ राजकुमार ने खुद मुझसे मेरा हाथ मांगा, और वो वहाँ पर बादशाहों के बादशाह का राज है, जहाँ खूबसूरत स्मार्ट शहजादे ने मुझसे शादी करने के लिए कोई राज नहीं दिख रहा। सब बहुत दूर है, लेकिन राजकुमारी कैंडी की दौलत और शोहरत दुनिया के कोने कोने तक फैली है। बिल्कुल ठीक कहा लूला। सुंदर है, लेकिन आँख में कुछ खराबी है।
एक भयानक शेर आ गया है, हमला कर रहा है। मैं बचाऊंगा तुम्हें। तुम्हें देखो ये मैंने तुम्हारे लिए किया। मुझे पता है कि मैं हमेशा तुम्हें नीचा दिखाती रही, लेकिन तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारा परिवार सच में बहुत अच्छा है। चिंगल चिंगल ये नन्हा एल्फी। चिंगल मास्टर, मैं तुम्हारा खात्मा कर दूंगा मॉन्स्टर। ऐसा नकली मॉन्स्टर मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। मैंने नहीं बनाया। मैंने भी नहीं। तो मॉन्स्टर अब सामना करो डेव द बारबेरियन का। क्या तुम असली मॉन्स्टर हो? हाँ, क्या तुम असली बारबेरियन हो? अरे नहीं, मैं तो कार्डबोर्ड हूँ। बताओ मुझे असली बारबेरियन कहाँ मिलेगा, मुझे बहुत भूख लगी है। चौराहे से आगे फवारे से बाएं मुड़ो, फिर सीधे जाओ 11,000 मील। थैंक्स दोस्त, तुम बहुत अच्छे हो। बाएं हाथ का काम था डेव द बारबेरियन का। Oh, come on. वो मॉन्स्टर तो नकली ही था ना, बाकी सब नकली है। तुम अगर अमीर हो तो तुम्हारे नौकर कहाँ हैं? उन्हें भेज दिया है नहाने के लिए। यहाँ क्या चल रहा है तुम मुझे बताती क्यों नहीं? और लूला को अपनी बहन को बताना पड़ा कि सब कुछ झूठ है। वो एल्फ भी नकली था, लेकिन वो जिंगल बेल्स सब कुछ नकली था। कह दो कि मैं हार गई। लेकिन तुम्हारे पास एक परिवार है जो तुमसे प्यार करता है। क्या? तुम्हारी जिंदगी बहुत बढ़िया है बहन। क्या मैं यहाँ थोड़े दिन के लिए रह सकती हूँ? यही कोई 10,000 साल के लिए। बात यह है कि मैंने थोर को छोड़ दिया है। थोर? ओह, मैं ये बताना भूल गई कि मौली का पूरा नाम म्योलनीर है। मतलब म्योलनीर, मिस्टर हैमर ऑफ गॉड। हाँ। थोर मतलब नॉर्स गॉड ऑफ थंडर। हाँ वही। वो जिसमे इतनी ताकत है कि हम फर्श पर रेंगने वाले नन्हे कीड़े बन सकते हैं, उसकी नजर पड़ते ही। मुझे लग रहा है कि तुम कुछ कहना चाह रहे हो डेविड। अगर वैसे ढूंढा हूँ यहाँ आ गया तो आप ठंडा गौर को गुस्सा तो नहीं दिला सकते ना? एक बार मेरे कजन गौरमा ने लाइन तोड़ी थी और वो कचरे का डिब्बा बन गया था। हे बेबी, कैसी हो तुम? ओ हाँ, मुझे पसंद करते हैं। घबराओ मत थोर, मुझे यहाँ नहीं ढूंढ सकता। चलो अच्छा हुआ। वैसे मैंने लिखा है कि मैं उड्रगोथ में हूँ। ओ लाला। लेकिन वो पढ़ ही नहीं पाएगा। चलो अच्छा। वैसे मैंने नक्शा बनाया है। ओ लाला। वो नक्शा भी नहीं पढ़ सकता। चलो अच्छा। लेकिन वो ब्रेड क्रम्स के पीछे पीछे तो आ ही सकता है। मैं भूल गया क्या कहना था। चलो अच्छा या ओ लाला। याद आ गया, ओ लाला। मैं थोर हूँ, तूफानों का बादशाह। वैसे वो जो भी हो, बादशाह या शहंशाह, लेकिन है बड़ा ही खूबसूरत और स्मार्ट। किसके पास है ताकतवर म्योलनियर? तुम कुछ भी करो थोर, ये सब लोग तुमसे नहीं डरते। डरता हूँ। अच्छा, क्या ख्याल है कि हम प्ले देखने चले? एक बहुत ही अच्छा प्ले चल रहा है। डेव कुछ करो, यहाँ पर तो मेरे बालों का बुरा हाल हो रहा है। मुझे भागना पड़ेगा या कम से कम चिल्लाओ। कोई ताजुब नहीं, मौली ने तुम्हें छोड़ दिया। तुम बस बड़े बिना दिल वाले इंसान हो। तुमने थोर को बिना दिल का कहा? ताकतवर, बहादुर वगैरह कुछ नहीं, बल्कि बिना दिल वाला। हाँ, बिना दिल वाला। अब तुम्हें कैसा लग रहा है थोर? मेरे साथ वो सिर्फ शोहरत के लिए थी। मुझे देखो, मैं भी तो किसी के साथ ही हूँ, और क्या मैंने उसका कभी कोई फायदा उठाया था? मौली, सुना थोर क्या कह रहा है? और इसका वो परिवार, इसके भाई ने मुझसे क्या क्या कहा पता है? थोर, मुझे बताना, तुम्हारा बर्ताव मौली के साथ अच्छा था? नहीं, मैंने उसकी कभी कदर नहीं की। मौली, सॉरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज स्टूडेंट वापस आ जाओ।
मौली, थॉर सच कह रहा है। ठीक है, जैसा आप सब लोग कहें। यबी! थैंक्स बहन, पता है मैं हमेशा तुम्हारी तारीफ करती थी। अच्छा? हाँ हाँ, तुम हमेशा से बहुत स्मार्ट थी और तुम्हें परिवार भी अच्छा मिला। अच्छा, बाय बाय। गुड बाय, सभी को बाय। छत का बिल मेरे पास भेज देना। जी हाँ, लूला ने आखिर अपनी बहन पर रौब जमा ही लिया। वैसे एक हथौड़ी के ख्यालों की परवाह कौन करता है। तो क्या तुम्हारी कोई और बहन भी है? अगर है तो बता दो। नहीं। लूला, मैंने पोसाइडन से अपना रिश्ता तोड़ दिया है। लूला! क्या? ये कजन है। Come on, फिर से करो। Come on, come on। ओह, कितना मजा आता है।